लूडो मंडी डॉट पी के चैनल देखने वाले तमाम मुझे दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्योर चोलिस्तानी और साहिवाल नस्ल के बछड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करवाई जाएगी और आज के पॉइंट का जो है वो ऑनर हमारे सामने मौजूद है। डिटेल भाई से पूछेंगे कि इनकी प्राइस जो है वो उनकी तरफ से क्या होने वाली है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर किनिया बछियाँ आज लेके आए हो मंडी दे जनाब? तुसी 15 बच्चियां लेके आए, 10 सेल हो गए ने, 5 खड़ियां। 5 तुम्हारे को इस टाइम बाकी ने? हाँ जी। और बाकी माशाल्लाह तुसी सेल कर लिए ने? हाँ। मंडियों के अजकल सुना है कि बड़ी खरीदारी तेजी नाल हो रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा तेज मंडी है। ते लेकिन तुम्हारे अगे साड़ी रिक्वेस्ट है कि साड़े जो व्यूअर ने तो उन्होंने रेट तुसी मोहब्बत वाला लाना जी। तेजी जी मंडी चल रही है, जाहिर गल गाहक वेख बंदा 5-10 हज़ार जो वधा लेंदा है, लेकिन तुसी कोशिश करनी कि मुनासिब जो सौदा भी अपना हो जाए। अच्छा सर नस्ल दे विच केड़ियां अपने को ब्रीड इस टाइम ब्रीड मौजूद है जी? इस टाइम 3 साहिवाल खड़ियां ने, 2 चोलिस्तानी खड़ियां। ठीक हो गया। उम्र किन्नी होनी सर इन्हां दी? उम्र 1.5 साल। 1.5 साल इन्हां दी उम्र हो चुकी है, मतलब 18-16 महीने तो लेके 18 महीने तक तुसी कह रहे हो। जबरदस्त हो गया सर। पुट्ठे दा रेट होना या मुख्तलिफ रेट? पुट्ठे दे हिसाब नाल की डिमांड कर रहे हो और किन्ने तक डील हो जाएगी? माशाल्लाह जी बाई का रेट जो है वो इंतहाई मुनासिब है जी। वीडियो में आप अक्सर देखते होंगे कि मंदे में भी इनका रेट इसी तरह से चल रहा होता है, 65-66 हज़ार रुपए के हिसाब से। और आज की तरतीब भी भाई साहब ने वही हमारे साथ लगाई है। इनमें से आप कोई बछड़ी लेना चाहते हो तो अलग से आप इनके साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं जी। स्क्रीन शॉट लें, इनको सेंड करें और अपनी पसंद की 2-3-4 बछड़ियाँ भी इनसे परचेज कर सकते हैं। वैसे इनका रेट जो है वो दोस्तों पर बूटी का रेट है जी, और इस रेट पर आपको तमाम की तमाम बछड़ियाँ बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल जाएगी। तो मोबाइल नंबर जो है वो आपके साथ शेयर करवा देते हैं जी, और ख़रीदारी के हवाले से भी भाई से जानेंगे कि अगर घर बैठे कोई परचेजिंग करना चाह रहे हो तो उसका प्रोसेस जो है वो क्या होगा। सर कोई दोस्त तुहाडे कोल आना चाहे तो किस जगह तो लोकेशन है तुहाडी जी? अपनी लोकेशन है जिला बहावल नगर जी जी, तहसील हरुणाबाद। ठीक है, हरुणाबाद तो 14 किलोमीटर शहर है, अपना गाँव है काट ऑफ में। ठीक है हो गया, मतलब उत्थे दोस्त आ सकते ने? बिल्कुल बेफिक्र हो गया, बेफिक्र हो के आ सकते ने, जानवरों देखन पालन, खाना पीना उत्थे मेहमान नवाजी भरपूर हो जाएगी। बिल्कुल। और अगर घर बैठे थोड़े को मंगवाना चाहन फिर भी आपा ते उदा की प्रोसेस है? मतलब पहले तो जानवर भेजोगे जी जी, ते पैसे बाद च लोगे? पहले जिस टाइम अपने ना किस भाई दा सौदा हो जावे जी जी, सानू टोकन बयाना लेवावे 20,000-50,000 रुपए। ठीक है, सही हो गया। जानवर होण ते 50,000 रुपए टोकन लगेगा। ठीक है, 10 जानवर लवे ते 20,000 रुपए टोकन लगेगा। मतलब तुहाडे टोकन दी तरफो साडी तरफो असीं गारंटी अपनी दे सकने हां कि तुहाडा टोकन जेहड़ा कि तुहानू करवान उस जाया या और तुहाडे बेकार नहीं जा सकदे, कि तुसीं इंशाल्लाह राबते च रहोगे और जानवर तुसीं उहनां नूं कार्गो भी करवाओगे। जिस भाई दा टोकन बयाना आ गया उस जी वो रीसेल नहीं होंगे बल्कि वो आपके होकर इनके पास मौजूद रहेंगे। अगर आप टोकन 5-10 हज़ार करवा कर इनका पॉइंट विजिट करने जा रहे हो तो मौके पे आए, टोकन करवा कर अपना जानवर अपने लिए कंफर्म करके रोक लें, और उसके बाद मौके पे आए जानवर की फुल पेमेंट करवा कर आप जो है वो अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि घर बैठे इनको फुल पेमेंट आप करवा दें, और जो जानवर आप इनमें से सिलेक्ट करेंगे वो आपकी बताई गई लोकेशन तक यकीनन हमारी गारंटी पर पहुँच जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक है। वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार भी जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। जिला बहावनगर की मदरसा मंडी से अगली वीडियो तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह के बाद।